जिले में 3 विधानसभा हैं, जिसमें से 2 विधानसभा अनारक्षित जबकि 1 आरक्षित सीट पर है। भाजपा ने पहली लिस्ट में ही इन 3 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब सभी प्रत्याशी केंद्र की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और 3 विधानसभा में भाजपा का कमल खिलाने की बात कह रहे हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रदेश संगठन के आदेशानुसार जो निर्णय किया गया और तीनों कहना चाहिए सूरजपुर जिलों में 3 विधानसभा में जो निर्णय लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देख रही हूँ, सभी का सहयोग, सभी का आशीर्वाद बना है, इससे खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। टिकट मिल गया है, लगातार लोगों के बीच में ही रहना है, उनसे बातचीत करना है और जीत कैसे हासिल हो इस पे मेन फोकस करना है। क्योंकि जो अपने भड़गांव विधानसभा में जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, उनको तो परास्त करके विजयी बनना ही है। देखिए, पहले तो मैं हमारे सूरजपुर जिले के जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के पूरे जिला संगठन को भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रदेश के पूरे संगठन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रेमनगर विधानसभा में मुझे प्रत्याशी के रूप में उतार रहा है, विश्वास किया जताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे प्रेमनगर विधानसभा में 10 साल से सामान्य खेलसाय जी विधायक हैं और विधायक के पूरा क्रियाकलाप को पूरे क्षेत्र की जनता जान चुकी है कि कितना जनता का सेवा कर रहे हैं, कितना जनता का काम करा रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा जनता देख रहा है। इसी को लेकर के आज पूरे क्षेत्र के प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता विधायक जी से नाखुश हैं और इस बार मुझे लगता है कि विधायक जी के कांग्रेस के जो पार्टी है उनके सपोर्ट में नहीं जाएंगे और सारे जनता कांग्रेस की जो 36 प्रकार की जो घोषणा हुआ था उस घोषणा के खिलाफ भी आज पूरे देश की जनता जान चुकी है कि इन्होंने 36 घोषणा किया, उसमें एक भी पूरा नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में एक ऐसा पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को मौका देता है। मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मुझे भरोसा नहीं था कि कभी मुझे मौका मिलेगा, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए जो मांग रखा था और जो संगठन ने महसूस किया है, हमको इन पे भरोसा है। इनके कंधे पे चुनाव का पूरा जिम्मा है और मुझे लगता है ये सभी हमारा साथ देंगे और निश्चय ही हम लोग ये सीट जीतेंगे। महिलाओं के लिए वास्तव में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, महिलाओं का बहुत ही दुर्दशा हुआ है, उन्हें बेरोजगार किया गया, बहुत सारे आए दिन रेप की घटनाएं, हत्या, बहुत सारे मतलब चाकूबाजी होना, ये सारे मतलब स्थिति बहुत खराब है प्रदेश की। तो हम लोग अगर जीत कराते हैं तो महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के मार्गदर्शन में, अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम लोग अच्छी योजना बनाएंगे, कम से कम महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान देंगे। और जब यहाँ भाजपा की सरकार थी इससे पहले, तो यहाँ महिलाओं की ये दुर्दशा नहीं थी, हम लोग अच्छा शासन देने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने सूरजपुर जिले के 3 विधानसभा हैं, प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर, तीनों विधानसभा की टिकट क्लियर कर दी है। तीनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक मेरे साथ में काम करने वाले जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय भूलन सिंह जी हैं, जिनको प्रेमनगर से दिया गया है। हमारी महिला मोर्चा की बहन लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, जो जिला पंचायत की सदस्य भी हैं, और वहाँ प्रतापपुर से भी हमारी महिला मोर्चा की बहन पोर्ते जी हैं। तीनों को ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, इनको दिया है। मैं प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारा जिला इस मामले में एक नंबर में रहा और तीनों सीट हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हम जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, जिनको हमने चिन्हांकन किया है, जो पिछले 3 साल से हम 2.5 साल से लगातार बूथ तक जा रहे हैं, जो हमारी टीम बनी हुई है, पन्ना प्रभारी से लेकर के बूथ प्रभारी, बूथ सचिव, BLA से लेकर के ऊपर तक के लोगों, सबको काम में लगाएंगे और एक एक बूथ को हम जीतने का संकल्प लेकर के जा रहे हैं। हमारे यहाँ 3 विधानसभा में हम कमल फूल खिलाएंगे और मैंने प्रदेश नेतृत्व से भी आग्रह किया था कि 3 जगह हम कमल खिलाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है जनता जनार्दन हमारे साथ में है और जनता के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और 3 सीट जीत करके और प्रदेश की भाजपा को देंगे और प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी। इस बार मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रदेश संगठन के आदेशानुसार जो निर्णय किया गया और 3 कहना चाहिए सूरजपुर जिलों में 3 विधानसभा में जो निर्णय लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देख रही हूँ, सभी का सहयोग, सभी का आशीर्वाद बना है, इससे
खुशी की बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। टिकट मिल गया है, लगातार लोगों के बीच में ही रहना है, उनसे बातचीत करना है और जीत कैसे हासिल हो इस पे मेन फोकस करना है। क्योंकि जो अपने भड़गांव विधानसभा में जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, उनको तो परास्त करके विजयी बनना ही है। देखिए, पहले तो मैं हमारे सूरजपुर ज़िले के जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के पूरे जिला संगठन को भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रदेश के पूरे संगठन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आज प्रेमनगर विधानसभा में मुझे प्रत्याशी के रूप में उतार रहा है, विश्वास किया जताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे प्रेमनगर विधानसभा में 10 साल से सामान्य खेल साहब